हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु अन अकेडमी एस लाइव पर आप सभी का स्वागत करता हूं तो आप लोग देख रहे हो वन टू थ्री फोर करते हुए फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पार्ट टेन तक आज ये दसवीं क्लास है इस सीरीज की जिसमें कि मैं आपको करंट अफेयर करा रहा हूँ जुलाई मंथ के करंट अफेयर हम लोग कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे जर्नी में कल तक हम लोग जहाँ तक पहुँच चुके थे ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था टाइम बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे बस एक बार इतना बता दो मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं ताकि सेशन को स्टार्ट करें जल्दी से बता दो मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं नवनीत जगनीत विशाल अमन राज जल्दी से बताओ मेरी आवाज क्लियर है तो फिर सेशन को स्टार्ट करूं ये कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज स्टार्ट करते हैं इसके आगे से तो एक बार कंफर्मेशन दो आप लोग क्लियर है चलो ठीक है शुरू करते हैं जुलाई के करंट अफेयर की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा ऑन विस डेट वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस 2020 आपसे कह रहा है साल 2020 का अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोगों ने मनाया है क्रिमिनल जस्टिस के लिए कौन से दिन तो आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं क्रिमिनल जस्टिस के लिए कौन से दिन हर साल 17 जुलाई को कौन से दिन 17 जुलाई तो सेवनटीन ऑफ जुलाई को हम लोगों ने वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के रूप में मनाया है इस टाइम पे हमारे सीजीआई कौन है हमारे सीजीआई हैं शरद अरविंद बोबदे शरद अरविंद बोब्डे भारत के कौन से सी हैं तो ध्यान रखना है भारत के सैतालीसवें अगला क्वेश्चन रिसेंटली ऑन विस डेट वी हैव ऑब्जर्व इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे आपसे कह रहा है अभी हाल ही में पिछले ही महीने हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में किस दिन को मनाया तो जस्ट उसके अगले दिन 17 के बाद 18 जुलाई को हम लोगों ने यह दिन मनाया कौन सा दिन नेल्सन मंडेला डे नेल्सन मंडेला डे इस वजह से मनाया जाता है एक तरीके से ट्रिब्यूट है नेल्सन मंडेला को कि उनके आदर्शों पर यह दुनिया चले उन्होंने जिस तरीके से लोगों में इक्वालिटी के लिए मल्टीपल मूवमेंट्स चलाए थे जिस लिए वो जाने जाते हैं अपने उसूलों के लिए अपने आदर्शों के लिए अपने थॉट्स के लिए उन थॉट्स को लोगों तक पहुंचाया जा सके हमेशा उन्हें याद किया जा सके इस वजह से अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाते हैं ध्यान रखिएगा इस बार की थीम आपको ध्यान रखनी है एशेंस टेक एक्शन इंस्पायर चेंज एंड मेक एवरी डे आ मंडेला डे इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवर बिफोर क्वेश्चन का मतलब अगला यह है कि पाकिस्तान और चाइना ने अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है इस पैक्ट के तहत 700 मेगावाट का आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करी जा रही है पीओके के कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या बता सकते हो पीओके के कौन से डिस्ट्रिक्ट में चाइना और पाकिस्तान की मदद से 700 मेगावाट आजाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करी जा रही है ऑप्शन है आपके सामने सुधानोती कोतली पुंच या फिर बाघ तो आपको ध्यान रखना है दिस इज सुधानोती इस जगह का नाम क्या है सुधानोती देखिए तो सुधानोती इज द राइट आंसर आपको ध्यान रखना है इसमें जमीन पाकिस्तान के एक्वायर कर रहा है और पैसा कौन लगा रहा है चाइना यहां पर पैसा लगा रहा है जिसका लाभ पाकिस्तान भी उठाएगा और जाहिर सी बात है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें चाइना भी इसका फायदा उठाने वाला है एक्चुअली देखा जाए तो ज़्यादा फायदा यहां पर चाइना उठाएगा क्योंकि हम सभी को पता है कि पाकिस्तान इस एरिया में क्या करता है पाकिस्तान के मिलिटेंट लॉन्चिंग पैड्स हैं यहां पर पाकिस्तान इस एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का किस तरीके से यूज कर सकता है कोई यूज नहीं करेगा तो अल्टीमेटली यहां पर ले देकर देखा जाए तो फायदा किसको होने वाला है चाइना को होने वाला है पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है और चाइना में किसकी सरकार है शी जिनपिंग की सरकार है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या बोल रहा है आपसे कह रहा है रिसेंटली इन सिटी ऑफ गुजरात अ थाउजेंड बेड हॉस्पिटल विद टू हंड्रेड इलेवन आईसीयू बेड हैज बीन सेटअप विद इन फिफ्टीन डेज हैज बीन इनग्रेटेड क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में पिछले ही महीने मात्र पंद्रह दिन के अंदर एक हजार बेड और 211 आईसीयू बेड्स का एक हॉस्पिटल गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश कर दिया गया है अहमदाबाद सूरत वडोदरा या जामनगर तो कोविड नाइनटीन को देखते हुए कोरोना वायरस के लिए ही एक हजार बेड का हॉस्पिटल जिसमें से 211 बेड आपके आईसीयू वाले बेड हैं तो इसकी स्थापना गुजरात के सूरत में करी गई है ध्यान रखना गुजरात में सरकार किसकी चल रही है यहां पर विजय रूपानी की सरकार है गुजरात में गवर्नर कौन है आचार देवव्रत आचार देवव्रत एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि कोरोना वायरस के दौरान पहली राज्य सरकार यह कौन सी है जिसने कोविड 19 हॉस्पिटल की स्थापना करी तब आपका आंसर होगा उड़ीसा यह है नवीन पटनायक की सरकार जिन्होंने कोविड 19 के दौरान पहला हॉस्पिटल कोरोना वायरस के लिए लॉन्च किया था ठीक है अगला क्वेश्चन रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट एन इनिशिएटिव वेस्ट टू एनर्जी वेस्ट टू एनर्जी नाम का अभी हाल ही में इनिशिएटिव कौन सी राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया ऑप्शन है आपके सामने कर्नाटक गोवा वेस्ट बंगाल या उत्तराखंड विच वन इज द करेक्ट आंसर तो ध्यान रखिएगा वेस्ट टू एनर्जी नाम का ये जो इनिशिएटिव है या आप बोल सकते हो कैंपेन है ये चलाया जा रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के द्वारा उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको चलाया जा रहा है एक चीज और यहां पर इसका मेन मोटो क्या है इसका मेन मोटो है कि जो गार्बेज है जो कचरा है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद एनर्जी का यूज करेंगे एक क्वेश्चन 2019 करंट अफेयर का बना था 2019 के आखिर की बात है कि ये कौन सी मेट्रो है जो कि वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके चलाई जा रही है भारत की अकेली और पहली मेट्रो है अभी तक की जो कि वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके चलाई जा रही है ध्यान रखना यह है दिल्ली मेट्रो दिल्ली मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो है जो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके चल रही है अगला क्वेश्चन एंड द वे यहां पे गवर्नर कौन है गवर्नर है बेबी रानी मौर्य वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है गवर्नर कौन है यहां पर जगदीप धनखड़ गोवा में प्रमोद सामंत की सरकार है गवर्नर है यहां पर सत्यपाल मलिक और कर्नाटक में बी एस येदुरप्पा की सरकार है गवर्नर कौन है यहां पर वजूभाई बाला अगला क्वेश्चन रिसेंटली ऑन द ओकेशन ऑफ हरेला फेस्टिवल किस फेस्टिवल की बात हो रही है हरेला नाम के त्योहार की बात हो रही है यहाँ पर कि अभी हाल ही में हरेला फेस्टिवल के मौके पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इनोग्रेट किया है स्मृति वन को स्मृति वन का शुभारंभ उत्तराखंड में कहाँ पर किया गया पंगोत में मोरी में अस्थल में या रानी खेत में तो ध्यान रखिएगा हरेला फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है इसका आयोजन किया गया अस्थल में अस्थल में और इस दौरान स्मृति वन का आयोजन किया गया अब देखो स्मृति वन का मतलब यह है कि एक नया फॉरेस्ट यहां पर इनोग्रेट किया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के द्वारा हरेला का मतलब पता है क्या होता है हरेला का मतलब होता है सिंपल सा हरियाली क्या बोलते हैं इसको हरियाली तो यह फेस्टिवल मनाया जाता है इस वजह से उत्तराखंड में क्योंकि इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए ज्यादा से ज्यादा हमें हरियाली मतलब ग्रीनरी को बढ़ावा देना है इस मकसद से त्यौहार मनाया जाता है और इस बार एक नए स्मृति वन की स्थापना करी गई यहां पर ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अभी हाल ही में सभी आई ने अनाउंस कर दिया डू अवे विद हाउ मच परसेंट मार्क्स क्राइटेरिया इन ट्वेल्थ फॉर एडमिशन क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे तो हिंदी में पहले समझो ध्यान से क्या बोल रहा है आपसे कह रहा है अभी सारे आई ने ट्वेल्थ में एडमिशन के लिए कितने परसेंट का क्राइटेरिया अपना हटा दिया है बताइए कितने परसेंट का क्राइटेरिया हटा दिया है इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए अविरल शुक्ला सचिन अदिति यश श्रीवास्तव अंशिका जल्दी से आंसर चाहिए मुझे श्वेता कुमारी यश श्रीवास्तव सचिन अदिति सभी के आंसर चाहिए दीपेश वेरी नाइस ये है पिछहत्तर देखो अभी तक क्या था इसका मतलब यह है कि अभी तक आई ने क्राइटेरिया बनाया हुआ था आई का कहना था कि ट्वेल्थ में आपके पिछहत्तर परसेंट नंबर होने चाहिए तब आप आई के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो साथ में यहां पर एस सी के लिए कितना प्रावधान था एस सी के लिए पैंसठ परसेंट का प्रावधान रखा था अब आई ने एस सी एस टी का भी और जनरल का भी पिछहत्तर परसेंट का भी यह सारा क्राइटेरिया खत्म कर दिया आई का कहना है कि अब आईआईटी के एग्जाम में बैठने के लिए कोई भी क्राइटेरिया लेवाई नहीं होगा आपके तेतीस परसेंट मार्क्स लाइन से ही पास हुए हो तो भी आप आईआईटी का एंट्रेंस दे सकते हो समझ गया बात को तो आईआईटी का एंट्रेंस देने के लिए अब आपको जरूरत नहीं है कितने भी मार्क्स क्राइटेरिया की साथ में ध्यान रखना क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से साल 2020 में भारत का कौन सा आईआईटी नंबर वन पे है तो इस टाइम पर भारत का आईआईटी बॉम्बे नंबर वन पे चल रहा है 2019 में आईआईटी मद्रास नंबर वन पे था अगला क्वेश्चन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर स्वानिधि ऐप इस एप्लीकेशन का नाम क्या है इसका नाम है प्रधानमंत्री स्वानिधि एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया गया है माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी को देने के लिए डोर स्टेप फ्रॉम फॉर होम क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं पहले समझो क्वेश्चन का मतलब क्या है आपसे कह रहा है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री स्वानिधि एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके तहत क्रेडिट फैसिलिटी छोटी क्रेडिट फैसिलिटी मतलब एक छोटा अमाउंट किसको प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को पुअर्स को विमेन्स को या स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वानिधि एप्लीकेशन बता सकते हो बता सकते हो इसका आंसर अदरवाइज मैं बताता हूं जल्दी से बताइए पीएम स्वानिधि विदुर राणा आंसर सही है स्वराज आंसर सही है मंदीप आंसर सही है पीपल हु आर सेइंग स्ट्रीट वेंडर्स दे ऑल आर करेक्ट देखो ये जो एप्लीकेशन है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च किया गया है ठीक है और इसके तहत कितना अमाउंट मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है इसके तहत दस हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से आपको मिल जाएगी ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि जो कि बिलो पावर्टी लाइंस को हर साल 10 दस हजार रुपए देगी तो आपको ध्यान रखना है ये है आंध्र प्रदेश सरकार आंध्र प्रदेश सरकार इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस स्कीम का नाम याद रखना ये तो आप लोग याद रखोगे ही रखोगे कि भाई दस दस हजार दे रही है आंध्र प्रदेश सरकार इस स्कीम का नाम क्या है इसका नाम है जगनन्ना चेदुदू जगनन्ना चेदेदू तो जगनन्ना चेदू स्कीम लॉन्च करी है वाई एस जगमोहन रेड्डी की सरकार ने इसके तहत इनका कहना है कि हर साल दस हजार रुपए की वित्तीय सहायता ये देंगे किसको बार्बर्स को वॉशरमैन को ठीक है और वीवर्स को मतलब धोबी को नाई को ओके और बुनकरों को इन सभी को ठीक है तो इनके लिए बेसिकली ये फैसिलिटी लॉन्च करी है एक चीज और ध्यान रखना इस तरीके की इतनी वित्तीय सहायता वाली फैसिलिटी कोई भी राज्य सरकार नहीं चला रही है सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता कोई सरकार दे रही है तो वो आंध्र प्रदेश सरकार ही इस टाइम पर दे रही है अगला क्वेश्चन है रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंस टू इंक्लूड होम अंडर मधु बाबू पेंशन योजना आपसे कह रहा है अभी हाल ही में उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार के द्वारा मधु बाबू पेंशन योजना लॉन्च करी गई है किसके लिए विमेंस के लिए ट्रांसजेंडर्स के लिए फॉरेनर्स के लिए या फार्मर्स के लिए क्वेश्चन का मतलब यह है कि देखो यहां पर मधु बाबू पेंशन योजना चलती है उनके लिए जिनकी उम्र साठ साल हो चुकी है उनको पेंशन देने का प्रावधान है तो अभी हाल ही में इनमें से किस तबके को कंसीडर कर लिया गया है अब इनको भी पेंशन मिलेगी तो ये है ट्रांसजेंडर ध्यान रखना नवीन पटनायक की सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत अब से ट्रांसजेंडर को भी इसमें जोड़ लिया है तो अब से ऐसे ट्रांसजेंडर जिनकी उम्र साठ साल से अधिक है उनको भी पेंशन मिलेगी उड़ीसा में ठीक है उड़ीसा में गवर्नर कौन है उड़ीसा में गवर्नर है गणेशी लाल गणेशी लाल ध्यान रखिएगा नवीन पटनायक को पेटा अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है 2020 में क्योंकि कोविड लॉकडाउन के दौरान ये अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो बाहर घूमने वाले जो जानवर हैं उनके लिए अलग से बजट पास किया था चौंतीस करोड़ रुपए का ठीक है अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में हु एज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेस अभी हाल ही में एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेस के नए एमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ एस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी सही जा रहे हैं जल्दी से बताओ इसका आंसर मुझे जल्दी से दीजिए वेरी नाइस वेरी नाइस ये अश्विनी कुमार तिवारी है तो तिवारी जी को अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है कहां पर एस कार्ड और पेमेंट सर्विसेज में एक चीज और ध्यान रखना इन्होंने किसको सक्सीड किया है इन्होंने हर दयाल जी को सक्सीड किया है हर दयाल जी को एक चीज और एस की बात करें तो स्थापना 1955 में करी गई थी हेडक्वार्टर क्या है मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और एस बी आई के चेयरपर्सन कौन है यह है रजनीश कुमार एस से पिछले कुछ टाइम से और भी क्वेश्चन बन चुके हैं जैसे कि एक एक पर हम लोग बात कर लेते हैं दो मिनट लगेगा चीजें रिवाइज हो जाएंगी ध्यान रखना एस की मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी अंशुला कांत क्या नाम है इनका अंशुला कांत

उससे यह दशमलव दो परसेंट सस्ता लोन है कितना दशमलव दो परसेंट ये जो ग्रीन कार लोन है ये स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए दिया जा रहा है किसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है तो आप ग्रीन कार लोन लीजिए इसमें आपको दशमलव दो परसेंट की छूट मिलेगी साथ में आपको जो रीपेमेंट का ऑप्शन है ये आठ साल का यहाँ पर दिया गया है आप भारत में कोई भी गाड़ी लेने जाइए ऑटोमोबाइल लोन आप अगर नॉर्मल लेते हो तो आपको पाँच साल का रीपेमेंट ऑप्शन मिलता है लेकिन इसमें छह साल का रीपेमेंट ऑप्शन आप आठ साल का रीपेमेंट ऑप्शन आपको दिया गया है तो ये दो यहां पर फायदे दिए गए हैं एस के द्वारा साथ में ध्यान रखना आपसे पूछेगा ये कौन सा बैंक है जिसने कोरोना वायरस के के दौरान दौरान या कोविड लॉकडाउन सभी बैंकों के यूजर्स को ठीक है जो एटीएम चार्जेस थे वो वेबड ऑफ कर दिए थे इन्होंने एटीएम चार्जेस को लॉकडाउन के दौरान खत्म कर दिया था तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कौन सा बैंक है जिसने एटीएम चार्जेस को डिनाई कर दिया था रिवोक कर दिया था पूर्ण पूर तरीके से ये इन्होंने 30 जून तक के लिए किया था कि 30 जून तक आप किसी भी बैंक के यूजर हो आप कितने भी बार एटीएम कार्ड यूज करो आपका पैसा नहीं कटेगा ठीक है अगला क्वेश्चन रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गबून गबून की अभी हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री पिछले महीने कौन बनी है इनका नाम आपको ध्यान रखना है इनका नाम है रोस क्रिस्टीन ओसुका क्या नाम है रोज क्रिस्टीन ओसुका व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गबून गबून की कैपिटल क्या है जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर गबून की कैपिटल मुझे आंसर चाहिए गबून की कैपिटल क्या है भाई साहब व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गबून बहुत बढ़िया आकाश का आंसर सबसे पहले गबून की कैपिटल है लिब्रबली क्या बोलते हैं इसको लिब्रवली ध्यान रखिएगा ओके okay. लिब्रवली और गबून में करेंसी क्या चलती है यहां पर फ्रैंक चलता है फ्रैंक अगला क्वेश्चन है रिसेंटली रमेश टीकाराम रमेश टीकाराम आपसे कह रहा है भारत के पहले पैरा बैडमिंटन अर्जुन अवॉर्डी है और एथलीट है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया मात्र इक्यावन साल की उम्र में किस वजह से इनका निधन हुआ है इनका निधन कोरोना वायरस की वजह से हुआ है कोविड नाइन्टीन की वजह से रमेश टीकाराम का निधन हो गया जो कि अर्जुन अवार्ड सम्मानित थे और साथ में भारत के पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे अगला क्वेश्चन है रिसेंटली फ्रॉम इंडिया हु पार्टिसिपेटेड इन थर्ड जी ट्वेंटी ही में तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट का जिसमें भारत की तरफ से किसने पार्ट लिया जाहिर सी बात है फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है तो निर्मला सीतारमन यहां पर पार्ट लेंगी जी ट्वेंटी में इस टाइम पे कितने मेंबर कंट्रीज हैं तेईस मेंबर कंट्रीज है ध्यान रखिएगा जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी इस टाइम पर किसके पास है कौन सा देश जी ट्वेंटी की अध्यक्षता कर रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ पिछली दो क्लासों में लगातार बता चुका हूं आज आपसे पूछूंगा जल्दी बताओ जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी किसके पास है इस टाइम पे इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है क्विक हरिअप जी ट्वेंटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए यस श्रीवास्तव सबसे पहले और सटीक आंसर यस yes, श्रीवास्तव सबसे पहले और सटीक आंसर यह है सऊदी अरेबिया आप सभी लोग ध्यान रखना सऊदी अरेबिया इस टाइम पर प्रेसिडेंसी कर रहा है किसकी जी ट्वेंटी नेशन की अगला क्वेश्चन है रिसेंटली फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्सड फॉर ट्वेल्व हंड्रेड की रिसोर्सेस पर्सन ऑफ विच स्टेट बाई मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी आपसे कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी के द्वारा अभी हाल ही में पहला ऑनलाइन प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है निष्ठा निष्ठा प्रोग्राम जो चलाया गया है यह 1200 की रिसोर्सेस पर्सन के लिए चलाया गया है कहां के लिए कहां के कहा चलाया गया है बताइए जल्दी से यह के किस राज्य के लिए चलाया गया है तो आपको ध्यान रखना है यह आंध्र प्रदेश के लिए चलाया गया है इस टाइम पे एचआरडी मिनिस्टर कौन है वैसे एचआरडी मिनिस्ट्री अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाएगी और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है यह है रमेश पोखरियाल यहां पर निष्ठा का मतलब क्या है निष्ठा का फुल फॉर्म पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट इसके तहत ये जो निष्ठा प्रोग्राम है इसके तहत आंध्र प्रदेश का जो स्कूल इंफ्रा है आंध्र प्रदेश के जो टीचर और हेड मास्टर्स हैं स्कूलों के उन सभी के लिए नई फैसिलिटीज देने का प्रावधान है इनिशियली और ज्यादा उन्हें ट्रेनिंग देने का प्रावधान है और इंफ्रा को मेंटेन इंफ्रा को रेनोवेट करने का प्रावधान है आंध्र प्रदेश में वाई एस जगमोहन रेड्डी की सरकार है गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन आसाम में सबनंदा सोनवाल की सरकार है गवर्नर है यहां पर कौन गवर्नर है यहां पर जगदीश मुखी अगले यहां पर ध्यान रखिएगा पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार है गवर्नर है वीपी बदनौर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और गवर्नर कौन है फागू चौहान अगला क्वेश्चन रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020? कौन सी है राज्य सरकार है कौन सी है राज्य सरकार है जल्दी से बताइए जी हां मैंने इसके लिए काफी पहले बोला था उस टाइम पर आई थिंक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बोला था बस वही बात हो जाती है आप में से जिन लोगों ने भी वीडियो देखा होगा आप लोगों को भी पहली बार यह सुनने को मिला होगा कि किसी ने बोला है कि इसका नाम ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख देना चाहिए किसी का दिमाग में ही बात नहीं आती थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए जब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है मिनिस्ट्री ऑफ ये है वो है फलाना है ढिकाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं है एच मिनिस्ट्री में ही चार तरीके की चीज़ें क्यों घुसा के रखी गई हैं इसी वजह से तो हमारी वैकेंसीज नहीं क्लियर होती इसी वजह से तो एजुकेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं है तो वो चीज़ ऑन दैट टाइम मेरे दिमाग में आई थी तभी मैंने वो वीडियो भी बनाया था उस वीडियो को आप लोगों का प्यार भी मिला था काफ़ी जगह वो वीडियो शेयर भी हुआ था बट मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एकदम से वो हो गया मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतनी जल्दी लेकिन हाँ उससे पहले ये थाट मैंने किसी के मुँह से सुना नहीं था वो थाट मेरा खुद का था कि हाँ एच मिनिस्ट्री छोड़ के एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम होना चाहिए तब जाकर शिक्षा को एक बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा बेसिकली मिनिस्ट्री को रिपोर्ट लेनी चाहिए उस उसके ऊपर एच क्यों नाम रखा हुआ है एजुकेशन मिनिस्ट्री रखो उसका

पवन चक्कीयों से चलने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो कि बिजली का उत्पादन करते हैं उनको आगे और बढ़ाया जाएगा सोलर पैनल्स स्टेशन को भी और बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली की पैदावार हो सके आंध्र प्रदेश खुद तो खुद तो यूज ही करे दूसरे राज्यों को भी बिजली बेच सके और इवन इतना ही नहीं टारगेट तो यह है कि आसपास के जो हमारे देश हैं उन तक भी बिजली पहुंचा सके जैसे कि श्रीलंका हो गया उधर म्यांमार हो गया उनको भी बेच सके तो आंध्र प्रदेश सरकार आप देख रहे हो फुल ऑन मोड में है लगातार धड़ाधड़ काम किए जा रही है अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु वर्चुअली एड्रेस द डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग अभी हाल ही में पिछले ही महीने आपसे कह रहा है वर्चुअली वर्चुअली इसको एड्रेस किया गया है मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भारत और इटली के बीच में एक बिजनेस मिशन को लॉन्च किया गया किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है आप लोग आंसर बता सकते हो जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए बहुत बढ़िया ये है हरसिमरत कौर बादल हरसिमरत कौर बादल ठीक है आप में से कुछ लोग बोल देते हैं बीच बीच में कि बैंकिंग कराइए अरे बैंकिंग वाले कैंडिडेट मेरे पास है नहीं ज्यादा तो बैंकिंग करा के क्या होगा लेकिन हाँ बैंकिंग वालों को यह सपोर्ट है कि आपके जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं आपके 50 में से 40 करंट अफेयर आपको यहीं से मिल जाएंगे मेरे करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो तो बैंकिंग यार पढ़ाऊंगा ना तो बड़ी कम ऑडियंस है मैं एस में पढ़ा रहा हूं इस वजह से नेक्स्ट है रिसेंटली विच हॉलीवुड एक्ट्रेस विल रिसीव ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड टू थाउजेंड एडिशन ऑफ टी आपसे कह रहा है टी के पैतालीसवें संस्करण में, में यह कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस है कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिनको ट्रिब्यूट एक्टर 2020 से सम्मानित किया गया है, है, है? है, केट केट है? टाइटेनिक मूवी देखी होगी वर्ल्ड फेमस मूवी है इनकी और भी कई सारी मूवीज है जैसे कि द रीडर हो गई बहुत सारी इनकी अवार्ड विनिंग मूवीज है तो केट वेंसलेट को ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है यहां पर टी का मतलब क्या है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ध्यान रखिएगा पैंतालीसवां संस्करण इसका हुआ है इस बार अगला क्वेश्चन है विच कंट्री ऑफ अफ्रीका हैज बिकम टॉप हिट बाई कोविड 19 साउथ अफ्रीका का यह कौन सा देश है माफ करिएगा अफ्रीकन रीजन का यह कौन सा देश है जो कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है तो आपको ध्यान रखना है यह साउथ अफ्रीका इफेक्टेड हुआ है सबसे ज्यादा वैसे तो साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल है लेकिन हम एक ही ले, ले लेते हैं प्रिटोरिया चलिए ले, ले लेते हैं लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली घाना की कैपिटल है अक्र और लेबनान की कैपिटल है बेरूत बेरूत में अभी क्या हुआ आप लोगों को पता ही है बेरूत अभी न्यूज में था पूरा का पूरा बेरूत तबाह हो गया है अभी इतनी बड़ी ट्रेजी हो गई बेरूत में किसी को पता ही नहीं था तो आपको ध्यान रखना है अफ्रीकन रीजन में कोविड के, के केसेस एक तरफ और अकेले साउथ अफ्रीका के, के केसेस एक तरफ साउथ अफ्रीका में इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है ये है सिरिल रामाफोसा कौन सेरिल रामाफोसा साल 2019 के रिपब्लिक डे के दिन सेरिल रामाफोसा पिछले साल हमारे चीफ गेस्ट थे इस साल सेरिल रामाफोसा को इलेक्शंस के थ्रू फिर से वहां पर इलेक्ट कर लिया गया है प्रेसिडेंट के रूप में इस साल हमारे 26 जनवरी को चीफ गेस्ट कौन थे ये थे जैल बोल्सनारो ब्राजील के प्रेसिडेंट अगला क्वेश्चन है यूके आस्क्ड टू व्हिच कंपनी टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव्स ऑफ हुआवे फॉर 5G नेटवर्क कल की क्लास में मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन कराया था कि कौन सा देश है जो कि चाइना के द्वारा 5G इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा चुका है वो यूके है आज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूके ने इनमें से किस देश को बोला है कि आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए जल्द से जल्द कि हुआ बी जो कि एक चाइनीज कंपनी है अब इनसे हम 5G नेटवर्क इक्विपमेंट नहीं लेंगे तो इसका ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करने को इन्होंने किससे कहा है बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से विच वन इज द करेक्ट आंसर जी हाँ राइट आंसर जापान इज द राइट आंसर ठीक है इन्होंने जापान गवर्नमेंट को बोला जापानीज गवर्नमेंट को जापान में सरकार किसकी है यहां पर गो आबे की सरकार है जापान की कैपिटल है टोक्यो भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली यूएस की वॉशिंगटन एंड फ्रांस की कैपिटल पेरिस भाई साहब मैंने बैंकिंग के बारे में बता दिया है आपको बैंकिंग के बारे में आपको बता दिया है आप क्यों कमेंट बॉक्स चौक कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेटअप टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे कह रहा है यह कौन सी राज्य सरकार है जो कि बहुत ही जल्द हल्दी के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रही है हल्दी के लिए टर्मरिक मतलब हल्दी के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रही है यह राज्य सरकार है तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु में ई के पलानी स्वामी की सरकार है और गवर्नर कौन है बनवारी लाल पुरोहित आंध्र प्रदेश में वाई एस जगमोहन रेड्डी है गवर्नर है यहां पर विश्वभूषण हरिचंदन कर्नाटक में बी एस येदुरप्पा की सरकार है गवर्नर कौन है यहाँ पर वजूभाई वाला और केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है और गवर्नर कौन है आरिफ मोहम्मद खान एक चीज़ और ध्यान रखना तमिलनाडु सरकार ये जो टर्बरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रही है इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है तीस करोड़ रुपया तीस करोड़ रुपये की मदद से इसकी स्थापना करी जाएगी यहाँ पर अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ कि भारत का यह कौन सा राज्य है जो कि हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ जल्दी से भारत का कौन सा राज्य है जो कि हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है बताइए अभी भी मुझे आंसर नहीं मिल रहे हैं बताइए जल्दी से जल्दी जल्दी कोई यार कोई जल्दी से हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक अभी तक आंसर ही नहीं मिला मुझे चलो मैं बताता हूं हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक आपका आंध्र प्रदेश है ठीक है आंध्र प्रदेश किसका, किसका उत्पादक है सबसे बड़ा टर्मरिक हल्दी भी सबसे ज्यादा पैदावार यही होती है है दूसरी ध्यान रखिएगा का भी सबसे बड़ा उत्पादक तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन पूछता है बास्केट ऑफ एग किसको बोलते हैं अंडो की टोकरी किसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश को बोलते हैं इसी तरीके से बास्केट ऑफ ब्रेड किसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ ब्रेड ये बोलते हैं पंजाब को क्योंकि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा पंजाब में ही होता है ओके चलो आगे बढ़ते हैं किसकी तलवार की नोक पे सर रखूं ये बता दो मुझे मोहब्बत करना गुना है तो सजा दो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आपसे कह रहा है भारत ने अभी हाल ही में मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी रैंक का सिक्योर करी है कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताओ भारत ने कौन सी रैंक का सिक्योर करी है टेबल लोकेशंस फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चलो मैं बताता हूं भारत ने तीसरी रैंक सिक्योर करी है पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे कौन रहा चाइना नंबर दो पे रहा है यूएस नंबर तीन पे रहा है भारत ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्री सेटअप के लिए सबसे बेहतरीन लोकेशन कौन कौन सी हैं तो नंबर वन पे है चाइना नंबर दो पे है यूएस और नंबर तीन पे है ठीक है भारत ये चीज ध्यान रखिएगा ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है इनका नाम है बैरी जर्मन बैरी जर्मन का भी हाल ही में निधन हो गया ही वॉज अ फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री कौन से देश के क्रिकेटर थे बैरी जर्मन बैरी जर्मन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा क्रिकेट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बने हैं जैसे कि शाहिद अफरीदी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं पाकिस्तान के दो खिलाड़ी का नाम ना भूलिएगा जो कि कोविड 19 से जिनकी मौत हो गई एक है जफर सरफराज और दूसरे रियाज शेख जफर सरफराज और रियाज शेख दोनों की मौत कोविड 19 की वजह से हुई है अभी कुछ टाइम पहले ओके अगला क्वेश्चन रिसेंटली सीबीएसई सीबीएसई हैज साइंड एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक कंपनी अभी हाल ही में सी ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है पिछले महीने गूगल आई बी एक्सेंचर या एस आंसर आप बताओ सी के बारे में मैं बताऊंगा बताओ जल्दी से सी ने यह पैक्ट किसके साथ साइन किया है जल्दी से बताइए अरे संदीप यादव धन्यवाद जल्दी से आंसर बताइए मुझे ये ना बताइए कि मैं क्या लग रहा हूं जल्दी से आंसर बताइए तो अगर मोहब्बत करना गुना है तो सजा दो मुझे जल्दी से आंसर बताओ आईबीएम right के आंसर साथ पैक्ट साइन किया ठीक है सीबीएसई की बात करें तो उन्नीस में स्थापना करी गई है सीबीएसई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है यह है आई अधिकारी क्या नाम है इनका मनोज आहूजा जी इस टाइम पे चेयरपर्सन है सीबीएसई के सीबीएसई अपने स्कूलों के साथ करेगा जो ये बोर्ड है जैसे आप अभी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हो ना वैसे ही बच्चों की क्लासेस के भी जो बोर्ड हैं उन्हें डिजिटाइज कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच कंट्री अगेंट सी कॉकरोच जिसका नाम क्या है इस कॉकरोच का नाम क्या है कॉकरोच आप देख सकते हो ये अद्भुत प्रजाति पाई गई है कॉकरोच की तो आपसे कह रहा है इस कॉकरोच का नाम क्या है इसका नाम है बैथीनमस राक्षसना तो ये जो बैथीनमस राक्षसा है ये पाया गया है कौन से देश में इंडोनेशिया मालदीव श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया कॉकरोच की अद्भुत प्रजाति पिछले महीने कहां पाई गई है बताइए जल्दी से ड तो बहुत कम होते हैं सौ बोल्ड नहीं दे रहे हैं सौ बोल्ड तो बहुत कम होते हैं सौ बोल्ड, बोल्ड, तो बोल्ड का तो से तो कुछ नहीं होने वाला इंडोनेशिया इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया इंडोनेशिया इज द राइट आंसर ठीक है और इसकी खास बात क्या है इसमें चौदह टांगे हैं मतलब सेवन पेयर्स हैं सेवन पेयर्स से हैं इसमें ध्यान रखना ठीक है तो यह अद्भुत प्रजाति कहां पर पाई गई है इंडोनेशिया में इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता मालदीव्स की कैपिटल है माले श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धन कोट्टे और कोलंबो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट कौन है ये है जोको विडोडो मालदीव्स में सरकार चल रही है इब्राहिम मोहम्मद सोली की श्रीलंका में सरकार किसकी चल रही है महिंदा राजपक्षा की महिंदा राजपक्षा अभी पिछले ही हफ्ते फिर से बन गए हैं प्रधानमंत्री और गोताबाया राजपक्षा यहाँ पर प्रेसिडेंट है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है स्कॉट मॉरिसन कौन स्कॉट मॉरिसन अभी पिछले ही महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करी थी या फिर आप बोल सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्कॉट मॉरिसन के बीच में तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है बड़ी बात सुनो बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में पहली बार किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस को लीड किया था इस वजह से ध्यान रखना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस जिसको उन्होंने लीड किया टू बी कनेक्टेड थ्रू रेल नेटवर्क बाई ईयर क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है आपसे कह रहा है नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स हैं जितने भी हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं उन सभी की कैपिटल्स आपस में रेल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगी कौन से ईयर तक भारत सरकार का कहना है 2023 तक ये कनेक्ट हो जाएंगी आपस में ठीक है तो कैपिटल ऑफ आसाम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश ऑलरेडी कनेक्टेड है और किनको किनको कनेक्ट करना बाकी है मणिपुर मिजोरम नागालैंड और मेघालय को कनेक्ट करना अभी बाकी है ओके मेघालय में कॉन्डेट संगमा की सरकार है नागालैंड में नेपी और यो की सरकार है मिजोरम में पु जोरम थंगा की सरकार है मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह हैं त्रिपुरा में विप्लाब कुमार देव हैं आसाम में सर्वनंदा सोनवाल हैं अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू हैं अगला क्वेश्चन रिसेंटली विच कंट्री स्टैब्लिश इंडिविजुअल बायलैटरल एयर बबल्स विद फ्रांस जर्मनी एंड यूएस ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में फ्रांस जर्मनी और यूएस के साथ एयर बबल्स की शुरुआत करी एयर बबल्स का मतलब कुछ स्पेशल फ्लाइट्स की शुरुआत करी गई है कोरोना वायरस के बाद ठीक है ये स्पेशल फ्लाइट्स मैं आपको बता दूं सीधी सी बात है इस टाइम पर स्पेशल फ्लाइट क्यों चलाई जाएंगी वैक्सीनेशन के लिए इधर उधर दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं बड़ी तादाद में जिसके लिए स्पेशल फ्लाइट्स चलाया जाना जरूरी हो गया तो ये इनको एयर बबल्स के नाम से जाना जाता है तो इस तरीके की स्पेशल फ्लाइट कौन से देश ने फ्रांस जर्मनी और यूएस के साथ चलाई है बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से जी हाँ ये है हमारा भारत भारत ने ये स्पेशल फ्लाइट्स चलाई हुई हैं। भारत की कैपिटल है नई दिल्ली चाइना की कैपिटल है बीजिंग डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान और इटली की कैपिटल है रोम अगला क्वेश्चन है रिसेंटली एज पर वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन बाय इनकम लेवल 2020 टू 21 इंडिया रिमेंड एज विच इकोनॉमी क्वेश्चन का मतलब तो पहले प्यार से समझो मुझे पता है इंग्लिश में दिक्कत होती है एसएससी के स्टूडेंट्स को ध्यान से समझो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं यहां पर जब तक समझ नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे मैं हर क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ इसीलिए ध्यान से समझो इससे क्या होता है इससे आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी भी तो बढ़ रही है जब आप इंग्लिश को पढ़ते हो तो अपने आप आप चीज़ें समझने लगते हो स्टेटमेंट समझते हो क्योंकि तो इंग्लिश के बिना पेपर तो आपको निकालना नहीं है पेपर तो इंग्लिश से ही निकलेगा ना इंग्लिश को छोड़ के तो पेपर निकाल नहीं पाओगे मेंस देना है ना प्री में अगर मान लो हो भी गया तो मेंस तो नहीं निकलेगा तो इस वजह से ठीक है चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कह रहा है वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन बाई इनकम लेवल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन के हिसाब से आपसे कह रहा है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन करने के बाद 2020 से 21 की अगर बात करें तो भारत की इकोनॉमी कैसी रही भारत की इकोनॉमी आपको ध्यान रखना है कैसी रहेगी बता सकते हो लोअर मिडिल आंस, आंसर कर रहे हैं लोअर मिडिल ओके और कोई बताएगा राहुल राउत आंसर सही है श्वेता कुमारी ज्ञान सिंह सभी के आंसर सही है यह है लोअर मिडिल ठीक है लोअर मिडिल इनकम भारत की रही है वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है ना वर्ल्ड बैंक के सी कौन है अंशुला कांत है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है यह है डेविड मलपास इस बार एस एस सी सीरियल दो हजार उन्नीस का पेपर देखिए उसमें वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर क्या है यह है वॉशिंगटन अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 हजार का हम सभी को पता है कतर में होने जा रहे हैं ठीक है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक और लिखी हुई है कतर तो सबको पता ही था पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कल की क्लास में भी लेकिन ध्यान रखना स्टेडियम कौन सा है कतर में इसका नाम है अलबैत स्टेडियम क्या नाम है अलबैत स्टेडियम में ये होने वाला है कतर की कैपिटल है दोहा यू की कैपिटल है अबू धाबी ओमान की कैपिटल है मस्कट और जॉर्डन की कैपिटल है अमान जॉर्डन की कैपिटल अमान है अमान ठीक है और ये ओमान है नेक्स्ट है रिसेंटली 25 लाख इंश्योरेंस रुपी ट्वेंटी फाइव लैक्स इंश्योरेंस कवर हैज बीन अप्रूव्ड फॉर पंचायत मेंबर ऑफ विच स्टेट यह कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अपने सभी पंचायत मेंबर्स के लिए पच्चीस पच्चीस लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है कौन सी राज्य सरकार है बता सकते हो कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अभी हाल ही में हर पंचायत मेंबर के लिए हर पंचायत मेंबर के लिए पच्चीस पच्चीस लाख रुपए का लोन दिया हुआ है भैया जो लोग भी जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है ठीक है जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने राज्य के सभी पंचायत मेंबर को 25-25 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया है जम्मू कश्मीर में अभी सरकार बदल चुकी है गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के सीएजी बन चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कौन से कॉम्ट्रोलर ऑडिटर जनरल बने हैं ये चौदहवें कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं जम्मू कश्मीर में नई सरकार किसकी आ गई है मतलब गवर्नर कौन बन गए हैं ये बन गए हैं मनोज सिन्हा मनोज सिन्हा अब यहां पर बात करें महाराष्ट्र की तो उद्धव ठाकरे की सरकार है गवर्नर है भगत सिंह खोसियारी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है और गवर्नर कौन है बंदारू दत्तात्रेय ओके पंचायती राज सिस्टम के लिए आर्टिकल कौन सा है पंचायती राज सिस्टम के लिए जल्दी से बताइए आर्टिकल 243 ठीक है आर्टिकल 243 और इसके सब पार्ट ए से लेकर ओ तक हमें बताते हैं पंचायती राज सिस्टम के के बारे में अच्छा कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस दौरान ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपनी पुलिस को और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सभी को पचास पचास लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया था बताओ लिख के कमेंट बॉक्स में फिर से सुनो ध्यान से कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने पुलिस कर्मियों को और हेल्थ मेंबर्स को हेल्थ केयर मेंबर्स को 50-50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया है बताओ कराया हुआ क्वेश्चन है बताइए जल्दी से अनुज का कहना है राजस्थान अच्छा वो तो नागा और आप बता रहे हो पंकज ठाकुर आंसर बिल्कुल सही है पंकज ठाकुर का केवल आंसर सही है हरलीन कौर आंसर सही है प्लस वाले स्टूडेंट ही आंसर दे रहे हैं इस टाइम पे यह है मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार ठीक है तो मध्य प्रदेश सरकार ने 50 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम भी अभी चलाई थी कौन सी स्कीम चलाई है मास्क 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 को लेकर एक मास्क अनेक, एक अनेक अनेक आगे पूरा करो इसे एक मास्क अनेक जल्दी से बताओ एक मास्क अनेक कौन सी स्कीम चलाई है इन्होंने जिसके तहत जिसके तहत आपको ध्यान रखना है नो आइडिया हां बहुत बढ़िया एक मास्क अनेक जिंदगी है अरे यार एक मास्क अनेक जिंदगी है ठीक है उसके तहत क्या प्रावधान है अगर मास्क लगा के नहीं चलोगे मध्य प्रदेश के अंदर तो सौ रुपए का आपका चालान कटेगा और सौ रुपए के चालान काटने के बाद दो मास्क आपको फ्री में दे दिए जाएंगे दो लड्डू फ्री में मिल जाएंगे तो कृपया करके मास्क पहन के चलें नहीं तो आपका सौ रुपए का चालान कट सकता है Recently, a new Android malware has been discovered that steal data such as credit card details, password from 337 Android applications. Its name is. बहुत प्यार से इसको आने दो बहुत प्यार से आने दो सीधी गेंद आ रही है आराम से लेंगे क्या बोल रहा है कह रहा है एक नया एंड्रॉइड मालवेयर पिछले ही महीने डिस्कवर किया गया है जो कि डेटा स्टीलिंग के लिए यूज किया जा रहा था और इसने कई सारे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या क्रेडेंशियल्स को फेच कर लिया था कितने एप्लीकेशन के करीब तीन सौ सैंतीस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इसने हैक कर दिया था तो इसका नाम था ब्लैक रॉक मेलवेयर क्या नाम है ब्लैक रॉक मैलवेयर अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड मेडिकैब पोर्टल हॉस्पिटल मेडिकैब का मतलब समझ रहे हो मेडिकैब आपको नाम से ही समझ आ रहा है कैब कैब बुलाते हो ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसे ही ये मेडिकैब है ये पोर्टेबल है जिसको कहीं पर भी लगाया जा सकता है इस तरीके से उठा के तो पोर्टेबल क्लिनिक है एक तरीके से आपको यह फैसिलिटी किसके द्वारा दी जा रही है कौन से आईआईटी इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कौन से आईआईटी इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है आईआईटी मद्रास आईआईटी कानपुर अच्छा आईआईटी दिल्ली वाले भी हैं यहां पर तो भाई साहब जो लोग भी यहां पर आंसर कर रहे हैं आईआईटी मद्रास उन सभी का आंसर सही है ठीक है मद्रास इज द राइट आंसर एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको दो दिन पहले ही मुश्किल से कराया हुआ है करंट अफेयर में कि कौन सा आई बनाई हुई है सीड बॉल, बॉल का मतलब समझते हो जैसे घर में कचौड़ी बनाते हो ना आटे के अंदर आलू भर के या दाल भर के उसी तरीके से क्ले मतलब मिट्टी और खाद दोनों को मिलाकर उसके अंदर बीज भर दिए जाते हैं उसको बोलते हैं क्ले बॉल बना देना फिर उसको ऐसे बना देते हैं ये, इसकी खास बात यह होती है कि इसके लिए आपको बुआई करने की जरूरत नहीं पड़ती एक एक बीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इन बॉल्स को आप डाल दीजिए जहां पर ये बॉल्स पड़ेंगे अपने आप ही उससे अंकुरित होकर पौधा निकलने लगेगा तो इस तरीके की स्पेशल सीड्स बॉल बनाई है आईआईटी कानपुर ने अगला क्वेश्चन है रिसेंटली ब्रिटिश साइंटिस्ट हैव फाउंड हाउ मच टाइप्स ऑफ कोविड नाइनटीन ब्रिटिश साइंटिस्ट ने अभी कुछ टाइम पहले पिछले ही महीने कितने तरीके के कोविड नाइनटीन केसेस पाए हुए हैं इन्होंने छह तरीके के कोरोना वायरस केसेस पाए हुए हैं ये छह तरीके के केसेस इधर लिखे हुए पहला केस है फ्लू लाइक विद फीवर मतलब एक जनरल फ्लू की तरह होता है उसमें आपको बुखार होता है एक फ्लू होता है जिसमें आपको बुखार नहीं भी हो सकता है तब भी आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हो मतलब इसका मतलब ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आपको फीवर हो तभी आप कोविड पॉजिटिव हो गए तीसरा है आपको गैस्ट्रो इंटेंशियल इसकी खास बात यह है कि आपको पेट में भी कुछ तकलीफ हो सकती है इसके बाद इसको सेवियर लेवल के हिसाब से तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है लेवल बन, टू, थ्री। थ्री बिल्कुल भी और फर्स्ट में आपको हल्का फुल्का फीवर हो सकता है ठीक है तो छह तरीके के के केसेज इन्होंने क्लासीफाई किए हुए हैं ब्रिटेन में सरकार किसकी है बोरिस जॉनसन की सरकार है एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कोरोना वायरस के दौरान यह कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया सबसे पहले यह बोरिस जॉनसन है जिनको सबसे पहले कोविड पॉजिटिव पाया गया अगला क्वेश्चन वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड चेस डे ऑन वेस्ट डेट वर्ल्ड चेस डे हम लोग किस दिन मनाते हैं शतरंज दिवस किस दिन मनाते हैं बताइए शतरंज दिवस किस दिन मनाते हैं बताइए जल्दी से एनी आइडिया सर जी मुझे जगलन फील हो रही है अरे घर पे ही रहिए और आइसोलेशन में रहिए फीवर की जो मेडिसिन है उसे ले लीजिए ठीक है काढ़ा बना के पीजिए 20 जुलाई इज द राइट आंसर 20 जुलाई इज द राइट आंसर वेरी नाइस और इससे भी ज्यादा आपको ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट क्या है इसकी थीम नहीं थी इसका क्या था इसका मोटो था तो हो सकता है एग्जाम में आपको मैं दिखाई चुका हूं एग्जाम में तो सोमनाथ टेम्पल एक हजार पच्चीस में लूटा गया था एग्जाम में तो लिख देता एक हजार छब्बीस भी पिछली बार लिख दिया था कि नहीं लिख दिया था तो आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि इस बार की थीम क्या थी वैसे थीम नहीं थी इसको मोटो बोला गया इस बार का लेकिन थीम में आप इसी को कंसिडर करोगे क्या टीच हाउ टू प्ले चेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली पद्म भूषण एवॉर्डी सी एस शेहाद्री पास्ट वे ही वोजा अभी हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित सी एस शेषाद्री का निधन हो गया ये क्या थे राजनीतिज्ञ थे गणतज्ञ थे गायक थे या अभिनेता थे ये गणतज्ञ थे ठीक है मैथामेटिशियन थे ध्यान रखना मैथामेटिक्स में एक फेमस अवार्ड है जिसको बोलते हैं रामानुजम अवार्ड रामानुजम अवार्ड आपसे कई बार पूछता है रामानुजम अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है ध्यान रखना मैथामेटिक्स में दिया जाता है अगला क्वेश्चन है रिसेंटली टिंडल विवियन सिविल राइट्स वेटरन इनका अभी हाल ही में निधन हो गया ही मिनिस्टर एंड ऑथर ऑफ कंट्री तो टिंडल विवियन जिनका अभी निधन हो गया ये कौन से देश से बिलोंग करते थे ये अमेरिका से बिलोंग करते थे किससे अमेरिका से यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन रशिया की कैपिटल है मॉस्को ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा एंड यूके की कैपिटल है लंदन ओके okay? क्या हुआ क्या हुआ कोई नावाजिब गुजारिश कर दी क्या हमने घनी ऊंची बात कर दी तूने अलाउद्दीन चित्तौड़ में अगर तू हमारा अतिथि ना होता तो तेरा सर धड़ से अलग होता इसी बखत अब राजा भी खतरे में नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज बैंड पबजी टेम्परली आंसर करो जल्दी से ये आंसर मैं नहीं करूंगा जल्दी से आंसर करो क्वेश्चन आपके सामने है मुझे आंसर आपसे चाहिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है पिछले ही महीने पबजी को टेम्प्रेरली बैन करने वाला देश कौन सा है बताओ जल्दी से बहुत बढ़िया प्रवीण कुमार सबसे पहले आंसर आ गया है प्रवीण कुमार बिल्कुल सही आंसर है यह है पाकिस्तान पाकिस्तान ने टेम्प्रेरली पबजी को बैन किया था अब पूछो टेम्परेरली क्यों किया टेंपरेरली क्यों किया इन्होंने बैन परमानेंटली क्यों नहीं किया परमानेंटली तो भारत ने कर दिया है तो पाकिस्तान ने टेम्परेरली क्यों बैन किया क्योंकि पबजी कहां का गेम है चाइना का और पापा जी से कैसे पंगा ले पाएंगे तो पापा जी को दिखाने के लिए टेम्परेरली कर सकते हैं परमानेंटली नहीं कर सकते नहीं तो पापा नाराज होने लगेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्स्ट <coughs> मनोदर्पण इनिशिएटिव आपसे कह रहा है इनमें से कौन है जिन्होंने पिछले महीने मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया है बताइए जल्दी से मनोदर्पण इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है कुंदन यादव क्यों परेशान हो रहे हैं मैं आपका नाम देख नहीं पाया था कुंदन यादव ने सबसे पहले आंसर दिया था अब आप, आप खुश हैं खुश रहिए है बस जल्दी से बताइए बहुत बढ़िया ये है रमेश पोखरियाल रमेश पोखरियाल इज द राइट आंसर रमेश पोखरियाल ने मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया है ठीक है ये जो मनोदर्पण इनिशिएटिव है यह मनोदर्पण इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किया गया है इसका मेन मकसद समझो क्या है आजकल बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है छोटे बच्चों के ऊपर इतना बर्डन है क्लासेस का इतना ज्यादा उनका कोर्स है तो वो मेंटल इश्यूज से गुजरने लगते हैं ठीक है उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है साइकोलॉजी भी उनकी दूसरे तरीके की हो जाती है इतना बर्डन होता है तो उनको मेंटली असिस्ट किया जाएगा ठीक है उनकी बराबर काउंसलिंग करते रहना है यह मेन मकसद है मनोदर्पण का नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको डीआरडीओ बोलते हैं डीआरडीओ ने अभी हाल ही में प्रोवाइड किया है इट्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रोन इस ड्रोन का नाम क्या है क्वेश्चन का मतलब सीधा सा यह है कि डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी को एक नया ड्रोन बनाकर दिया है इस ड्रोन का नाम क्या है बताइए फिर मैं इस ड्रोन की खास बात आपको बताऊंगा बताइए इस ड्रोन का नाम क्या है जो इन्होंने बनाकर दिया है बिल्कुल सही बिल्कुल सही सुमन दीपेश आंसर सही है इसका नाम है भारत ठीक है इसका नाम है भारत भारत नाम का ये जो स्पेशल ड्रोन डीआरडीओ ने बनाकर दिया है इंडियन आर्मी को इसकी खास बात यह है कि ये हाई एल्टीट्यूड पर भी एक्यूरेट सर्वेलांस रख सकता है मतलब खास बात यह है कि एक ऊंचाई पर जाने के बाद तो जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं वहां पर बर्फ होती है बर्फ की वजह से वहां से क्या होता है बर्फ से जाहिर सी बात है धुआं तो उठेगा ही तो इसकी वजह से क्या होता है ऊपर से जो हाई एल्टीट्यूड से जो सर्विलांस होता है उससे हमें प्रॉपरली विजन नहीं मिल पाता है तो इसकी खास बात यह है कि यह उसको भी भेज सकता है यह बादलों को भी भेज सकता है ठीक है ध्यान रखिएगा तो ये इसकी खास बात है जैसे राफायल में भी इस तरीके का सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ है तो यह स्पेशल ड्रोन बनाकर दिया है इंडियन आर्मी को डीआरडीओ की बात करें तो उन्नीस में स्टैब्लिश किया गया था हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और डीआरडीओ के चीफ कौन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी क्या नाम है जी सतीश रेड्डी अगला क्वेश्चन है रिसेंटली जोरम मेगा फूड पार्क हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट कौन से राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना करी गई मिजोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना मिजोरम में करी गई मिजोरम में सरकार किसकी है पु जोरम थंगा की सरकार है गवर्नर कौन है गवर्नर है यहां पर आ, पी एस श्रीधरन पिल्लई क्या नाम है पी एस श्रीधरन पिल्लई उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है गवर्नर है गणेशी लाल वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है गवर्नर है जगदीप धनखड़ मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह की सरकार है और गवर्नर कौन है नजमा हेपतुल्लाह अगला क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैजस्ड ई कॉमर्स पोर्टल्स विल बी कंसिडर्ड अंडर विच एक्ट रूल्स फ्रॉम ट्वेंटियुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी क्वेश्चन का मतलब सीधा समय यह है कि भारत सरकार ने अभी बीस जुलाई से एक नया कानून निकाला है कि जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल हैं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसके तहत आएंगे इनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रखा जाएगा सारे ई कॉमर्स पोर्टल को किसके तहत बताइए कौन सा एक्ट है ये विच वन इज द राइट आंसर एक्ट 2019 है, ठीक है दीपेश आंसर सही है और भी लोग आप यूज करते हो ठीक है यह सारी ये जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हो ये सारे ई कॉमर्स पोर्टल है आप देखते हो इन सारी वेबसाइट्स में इस तरीके की बड़ी प्रॉब्लम आती रहती है कि आप प्रोडक्ट कुछ और ऑर्डर करते हो आपके पास आता कुछ और है ठीक है अभी तक इसके तहत कड़ी सजा के प्रावधान नहीं बनाए गए थे लेकिन सरकार ने इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अब कंसीडर कर लिया है इसको अब कंसीडर किया जाएगा सारे ई कॉमर्शियल पोर्टल को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत तो इसके तहत अगर आगे कोई भी दावा कर देता है कोई भी इनके ऊपर केस करेगा तो इनकी कंपनी तक बंद हो सकती है साथ में बहुत तगड़ा फाइन भी लग सकता है साथ में इसकी खास बात यह होगी कि ये जितने भी केसेस होंगे ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चलाए जाएंगे ठीक है तो ये जो अभी तक सजा के प्रावधान नहीं थे ये सारे पोर्टल अपनी मनमानी कर रहे थे अब ये मनमानी कम हो जाएगी साथ में एक चीज और ध्यान रखना है ये कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा डायरेक्ट चेतावनी दी गई है कि आप जितने भी प्रोडक्ट बेचोगे वेबसाइट पर उसमें आपको मेड इन विच कंट्री बताना पड़ेगा आपको हर एक प्रोडक्ट में लिखना होगा कि कौन से देश में बना हुआ है मेड इन साउथ कोरिया तो मेड इन साउथ कोरिया लिखिए मेड इन इंडिया है तो मेड इन इंडिया लिखिए मेड इन चाइना है तो मेंशन करिए मेड इन चाइना आपको प्रोडक्ट में मेंशन करना होगा कि वो कौन से देश में बना हुआ प्रोडक्ट है तो आपको ध्यान रखना है ऐसा इन्होंने किसको बोला एमेजोन को अमेजोन के लिए रूल बनाया गया है अमेजोन के मालिक जय बेजोस फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है ओके आज की बात यहीं तक रखेंगे आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि बैच के लिए पूछ रहे हैं उन सभी को बता दूं मेरा बैच लॉन्च हो चुका है कल मैंने आपको बोला था लॉन्च हो जाएगा आज हो चुका है लॉन्च मेरे प्रोफाइल में जाइए अन अकेडमी लर्नर ऐप के थ्रू 16 अगस्त से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है आज 13 तारीख है 16 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा फुल करंट अफेयर का बैच जिसमें पूरे दो के करंट अफेयर मैं आपके कवर कराऊंगा यह करंट अफेयर के साथ पी भी आपको मिलेगी साथ में नब्बे मिनट की क्लास यहाँ पर मिलेगी एक बैच जो आ रहा है वो 22 अगस्त से आ रहा है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच है इसमें जो आपके 60 मार्क्स की जीएस और कंप्यूटर आ रहा है मैं इसकी तैयारी कराने वाला हूं मेरा वादा है आपसे यहां पर आप बहुत अच्छा कर लोगे इसका एग्ज़ाम नवंबर के महीने में है तो मैं उसी हिसाब से इस बैच को ला रहा हूँ बाईस अगस्त को मेरी कोशिश होगी कि ये बैच मैं आपका ख़त्म कर दूँ अक्टूबर के महीने में पंद्रह अक्टूबर तक मैं इसको ख़त्म कर दूँ ये मेरी कोशिश होगी मतलब आपके एग्ज़ाम के करीब एक महीने पहले ही मैं इसको ख़त्म कर दूँगा तो इन दोनों बैचेस के लिए जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं ये मेरा डिस्काउंट कोड है वरुण वाई एक और है डिस्काउंट कोड यहाँ पर लिख देता हूँ इसका भी आप यूज़ कर सकते हो कोई भी कर लो सब में डिस्काउंट मिल जाएगा वरुण ट्रिपल सेवन ठीक है तो सब्सक्रिप्शन लेने वाले ले सकते हैं जो लोग यहाँ पढ़ना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं साथ में आप लोगों को यूट्यूब चैनल के बारे में पता ही है वरुण अवस्थी को आप सब्सक्राइब कर सकते हो वो मेरा चैनल है साथ में अन अकेडमी एस प्लस नाम का भी एक चैनल मैंने लॉन्च किया हुआ है वहाँ पर जाइए डेली शाम को नौ बजे वहाँ पर मैं, 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 मैं आपको मिलता हूँ डू यू नो की एक सीरीज के साथ तो डू यू नो स्टैटिक जी के आप लोगों के द्वारा हिट कराई हुई सीरीज़ है उसको जाकर आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो कभी ट्राइब्स कराता हूँ कभी डांस कराता हूँ स्टेट के स्टेट के आपको नहीं डांस कराता हूँ ठीक है इस तरीके के वहां पर रैंडम टॉपिक्स मैं उठाता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर हैं मात्र पंद्रह मिनट का सेशन होता है शाम को नौ बजे उसको आप ज़रूर करिए ठीक है आज के बाद यहीं तक क्लास अच्छी लगी है कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कर दो यार जरूर लाइक करो क्लास को ठीक है इसको शेयर करो अपने भाई बंधुओं के साथ और अब कल नहीं डे आफ्टर टुमारो मुलाकात होगी वैसे मैं कोशिश कर लूंगा कि कल भी मुलाकात हो जाए बट आई एम नॉट श्योर ठीक है आज के लिए बोला था आज मैं आ गया हाँ इस बार पेपर होगा इस बार ये मत सोचिए कि पेपर नहीं होगा पेपर ज़रूर होगा इस बार ये मान के चलिए क्योंकि अब भारत सरकार मेट्रो खोलने जा रही है तो भैया जब मेट्रो खोलने जा रही है तो पेपर क्यों पोस्टपोन होगा ठीक है ना अब चीज़ें खुलती चली जा रही है अनलॉक ही होता जा रहा है पेपर पोस्टपोन होने की उम्मीद अब मत रखिए अब उठ के खड़े हो जाइए और शुरू करिए तैयारी ठीक है उठाओ जंग और कर दो चंगे ऐलान ये टाइम आ चुका है धन्यवाद राहुल धन्यवाद आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन है मैं फिर से कह रहा हूं जिन लोगों को दिक्कत है वो लोग ज्वाइन जरूर करें जिन लोगों को नहीं दिक्कत है उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन लोगों को जीएस में दिक्कत है वो लोग जरूर ज्वाइन करें आज की बात यहीं तक बाय बाय टेक केयर है ख्याल रखिए अपना बाय सुल्तान वाला डायलॉग सुनना है कौन सा डायलॉग मैं आपको सुना दूँ ऐसे एक बार अभी डायलॉग सुनाया तो था आज कोई डायलॉग नहीं होगा अ नाइस डे परसों आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आ रहा हूं रात दस बजे आपको आपकी भाषा में रात दस बजे परसों पंद्रह अगस्त है इंडिपेंडेंस डे के दिन आपको समझाऊंगा आजादी क्या है आपकी भाषा में समझाऊंगा आजादी क्या है आजादी को भारत के लोगों ने क्या समझ रखा है क्या बना कर रख दिया है इस पर बात करेंगे परसों रात दस बजे मिलना मत भूलना परसों रात दस बजे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ रहा हूं खूबसूरत सा सेशन अविरल सुधर जाओ बाय एवरीवेद